A keen trekker and a banker by profession, photographer Pradeep Pandey aims at capturing the soul of a place. कई लोग अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कई माध्यम अपनाते हैं. कोई पेंटिंग करता है, उसके माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो कोई कविता लिखता है, कोई किसी और तरीके से अपने को अभिव्यक्त करता है. इसी तरीके से फोटोग्राफी भी एक तरीका है जिससे आप अपने नज़रिए से दुनिया को आप कैसे देखते हैं और उसे दुनिया को कैसे दिखाना चाहते हैं. Photography for him is a way of depicting nature and people in a way which should generate feelings of hope, nostalgia, pleasure, sympathy and love. The photography bhi main chahta hu ki main kuch aisa create karu apne photographs ke madhyam se jisse ki log ek mehsoos kare us cheez ko bhale hi wo koi prakriti ka roop ho ya koi janjeevan ka roop ho ya एक सामान्य सी घटना हो कुछ भी. Originally from Almora, Uttarakhand, Pradeep Pandey has always had spontaneous interactions with nature. After shifting to Nainital for his further studies, his love for nature grew even more. Although his love for photography had started during his childhood days, having a camera at that time was a distant dream for him. With years of hard work and dedication to his art form, today Pradeep Pandey is known for his versatility. His pictures range from wildlife, nature, people, culture and still life. तो फोटोग्राफी के आयाम तो अनंत है, लेकिन मैं फोटोग्राफी को मूलतः दो वर्गों में देखता हूँ. एक वो फोटोग्राफ है जो आप देखते हैं तो आप चमत्कृत हो जाते हैं. अरे यार ये कैसे किया होगा, मतलब ये कैसे होगा, कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा लेंस यूज किया, क्या शटर स्पीड रखी, क्या और आपने एक्सेसरीज यूज की या कैसे एडिट किया. और दूसरी फोटोग्राफ ऐसी होती है जिसे आप देखते हैं और आप खो जाते हैं, एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ मैं दूसरे किस्म की फोटोग्राफी करूँ. वो ये न पूछे आपने कैसे किया, बल्कि ये उसके सीधे हृदय को छुए. मैं चाहता हूँ मैं ऐसी फोटोग्राफी करूँ, तो इसलिए मैं फाइन आर्ट फोटोग्राफी पर काम करना चाहता हूँ. A picture is worth a thousand words. Here's a message from Pradeep Pandey to all aspiring photographers. देश में, विदेश में, आज की तारीख में देखिए, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हम देख नहीं सकते थे दुनिया में क्या हो रहा है. आज दुनिया हमारे सामने है, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया हमारे एकदम एक क्लिक दूर है, पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं. तो इसके लिए क्या अच्छा काम हो रहा है और कैसे हो रहा है. कहते हैं कि फोटोग्राफी इज़ वर्थ 1000 words. हम कहते हैं आपकी फोटोग्राफी 1000 words ना हो, एटलीस्ट इट शुड बी ऑफ 100 words और 10 words. ऐसा ना हो कि आपकी फ़ोटो देखें और लोग आगे बढ़ जाए. तो इसलिए मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में जो लोग जल्दबाजी करके, क्विक फिक्स करके, एकदम अपने को शॉर्टकट टू सक्सेस चाह रहे हैं, उसको अवॉइड करें तो बेहतर है.